साइकोलॉजी के अनुसार जिस घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर होता है जैसे किसी युद्ध का उसके सैनिकों पर। सेकेंडली, जब हम कुछ नया करते हैं, सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में नए नए सेल्स डेवलप होते हैं जो कि हमारे IQ लेवल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। थर्डली, TV देखने की प्रक्रिया में हमारा बहुत ही कम दिमाग इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी वजह से बच्चों का दिमाग बहुत ही कम विकसित होता है। बच्चों का दिमाग कहानी पढ़ने से या सुनने से बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं, जो भी वो सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें नए नए सेल्स डेवलप्ड होते हैं जिससे उनका IQ लेवल अच्छा होता है एंड दिमाग भी उनका अच्छे से विकसित होता है। फोर्थली, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे बचपन में कुछ साल हमें याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग का एक पार्ट हिपोकैम्पस डेवलप नहीं हुआ होता, वो हमारी मेमोरीज को स्टोर रखने में, कुछ भी याद रखने में बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए हम कुछ भी याद नहीं रख पाते बचपन का।